हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम सब देखेंगे एक्सरसाइज 13.2। आपके पास यह 2 है और चैप्टर 13, जिसमें सभी क्वेश्चनों के बारे में हम लोग देखेंगे कि सभी क्वेश्चंस आपके पास सॉल्व, इसका सभी सलूशन। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें देखिए दिया गया है कि PA एक घटना है। ये क्या एक घटना जिसमें 3/5 दिया गया है। PB का मान मतलब प्रोबेबिलिटी या B का मान 1/5 दिया गया है। A व B स्वतंत्र घटना हो तो इंटरसेक्शन का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर कभी भी PA इंटरसेक्शन B का मान अगर PA इंटू PEB के बराबर है तो यह स्वतंत्र घटना है। कैसी घटना है? स्वतंत्र घटना। कब? कि जब कभी भी PA और PB का मान, गुणनफल का मान इंटरसेक्शन B के बराबर है तो वह स्वतंत्र घटना है। और अगर कभी भी PA इंटरसेक्शन B का मान 0 हो जाए, कितना हो जाए? 0। तो 0 हो जाए तो वह अपवर्जी घटना होती है। कौन सी घटना होती है? अपवर्जी घटना होती है। ठीक है, अगर गुणनफल बराबर है तो स्वतंत्र, और अगर 0 है तो कौन सी घटना? अपवर्जी घटना। कौन सी घटना? अपवर्जी घटना होती है। ठीक है, तो यह आपके पास देखिए, हमें क्वेश्चन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कि हमें स्वतंत्र घटना ज्ञात करना है, स्वतंत्र घटना के लिए। तो देखिए, स्वतंत्र घटना के लिए, तो स्वतंत्र घटना के लिए होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए और इंटू कितना? पी बी। पी ए इंटू कितना? पी बी होता है। तो पी ए इंटू पी बी है तो हमारे पास देखो ए का मान हमारे पास दिया गया है कि पी ए का मान है 3/5 और पी बी का मान है 1/5। तो 3 × 1 = 3 और 50 = 25। तो यह क्या हो जाएगा? इतना इसका मान हो जाएगा कि यह आपके पास क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 3/ कितना होगा? 25 होगा। 3/25। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन देखें। आंसर सोल्यूशन यहाँ देखिए, सोल्यूशन तो यही है हमारे पास आंसर। ठीक है, 3/25, ये है 3/25। तो यह था आपके पास क्वेश्चन। तो देखो, स्वतंत्र घटना, स्वतंत्र के लिए आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर जब PA into PB का मान क्या होता है कि अगर इसके बराबर है, इसके क्या है? बराबर है, तो हमारे पास स्वतंत्र घटना है। और अगर यहाँ पर इसका मान 0 के बराबर है तो वह अपवर्जी घटना है। कौन सी घटना? अपवर्जी घटना होती है। आइए देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापित किए गए। प्रश्न लिख लेते हैं कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापित किए हुए दो पत्ते निकाले गए। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि दोनों पत्तों के काले रंग होने की प्रायिकता बताइए। दोनों पत्तों के काले रंग होने की प्रायिकता। अब ये ना सोचिएगा कि सर हमें ताश खेलना बता है ना, ये प्रायिकता है, ये आपके पास प्रायिकता है, हम ताश खेलना नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, प्रायिकता, इसमें ताश खेलना नहीं, पत्तों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में? पत्तों के बारे में। देखिए, आइए देखते पत्ता कितना होता है उसके बारे में। कि देखो, 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्तों में अगर हम देखें तो हमारे पास देखो एक होता है पान हो गया, फिर होता है क्या? ईंट, तो थोड़ा सा ईंट ले लेते हैं,
ये आपके पास बीएफओई यू का है या जो आपके पास आपके घर में ईंट लगी होगी सबसे मजबूत ईंट वही है। तो पान ईंट फिर हो जाएगा चिड़ी, चिड़ी हो गया, फिर क्या हो जाएगा कुकुम, क्या हो गया कुकुम हो गया ना, ठीक है। इसे क्या कहते हैं पान, इसे कहते हैं ईंट, हम लिख देते हैं बी एफ ईंट है ना, और ये आपके पास है चिड़ी, कुछ भी दिखा है जरूर नेम दिया फिर हो, ये है क्या हुकुम, क्या है हुकुम। अब यहां से जानते हैं आप क्या जानते हैं कि यहां से देखो एक पान का राजा होगा, पान का बादशाह, पान का ईंट, ईंट का बादशाह, चिड़ी का बादशाह, हुकुम का बादशाह, पान की बेगम, हुकुम की बेगम, चिड़ी की बेगम और हुकुम की बेगम, फिर पान का गुलाम, ईंट का गुलाम, चिड़ी का गुलाम और हुकुम का गुलाम, फिर पान का एक्का क्या होगा, पान का एक्का, ईंट का एक्का, फिर क्या होगा चिड़ी का एक्का, फिर होगा हुकुम का एक्का। अब ये आपके पास सभी का होगा। अब उसके बाद दो से नौ तक संख्याएं हो जाएंगी, दो से नौ तक संख्या, दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस न, तो यह समझ लीजिए कि दो से लेकर दस तक संख्या, ज्यादा हो जाएगा दो से दस तक, नौ संख्या नहीं, दो से दस तक, फिर हो जाएगा दो से दस तक, फिर हो जाएगा दो से दस तक, पूरा आएगा नहीं उसको लिखने से नहीं मतलब है। फिर अब देखो कि यहां से अगर हम देखें तो पान और ईंट जो होते हैं यह लाल होते हैं, पान और ईंट क्या होते हैं लाल, तो यह दोनों लाल होते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं यह दोनों काले होते हैं, क्या होते हैं यह दोनों काले, ठीक। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, कहां है क्वेश्चन पर, देखो बावन पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिया बिना प्रतिस्थापित हुई, यादृच्छिया का मतलब होता है रेंडमली और रेंडमली का मतलब होता है स्वच्छता से, जैसे पत्ता है और पत्ता को हम निकाले लेकिन कोई भी पत्ता हिलेगा, मतलब कोई भी पत्ता ऊपर नीचे न हो, तो यहाँ पर दो पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों पत्ते काले रंग में होने की प्रायिकता, देखिए हल क्या होगा, कुल पत्तों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल पत्तों की संख्या कितना है बावन है, पहले पत्ते के काले रंग होने की प्रायिकता, काले रंग होने की प्रायिकता, तो यह हो जाएगा पी ए बाय पी ए, देखते हैं पी ए, तो देखो काले रंग होने की प्रायिकता, तो देखो नौ या नौ चार तेरह, नौ या नौ चार तेरह, तो तेरह गुना छब्बीस पत्ते हैं, तो काले रंग के पत्ते कितने हैं छब्बीस, तो काले रंग के पत्ते छब्बीस हैं, किसमें से निकाल रहे हैं बावन में से, किसमें से बावन में से, तो यह हो जाएगा छब्बीस बटा बावन। फिर दूसरे पत्ते के काले रंग होने की प्रायिकता यह हो जाएगा पीबी, और पीबी बराबर हो जाएगा 25 बटा बावन, 25 बटा कितना बावन, क्यों 25 बटा बावन, ओ 25 बटा देखो 25 है और 25 बटा देखो हमारे पास हो जाएगा इक्यावन, कैसे देखो एक पत्ता निकल गया तुम्हारे पास बचा इक्यावन, और एक पत्ता काला रंग था ना 26, एक निकला हुआ है तो कितना बचा 25, और हमारे पास क्या हो जाएगा कि पत्ते के काले रंग होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता देखते हैं तो देखो पहला दूना दूसरे को गुणा करेंगे तो जाएगा पी ए डॉट कितना पीबी, पी ए डॉट पीबी, तो 26 बटा बावन और इंटू कितना 25 बटा बावन, 25 बटा इक्यावन, तो 25 तो 26 का 26, 26 दूना बावन, 25 का 25 और इक्यावन दूना 102, तो यही आपके पास क्या होगा प्रायिकता, क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, और जैसे अगर आप नोट नहीं करना चाहते तुरंत तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आइए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, तीसरा कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से तीन संतरों को यादृच्छिया बिना प्रतिस्थापित क
करते हुए किए हुए निकाल कर किया जाता है, मतलब कि एक डिब्बा है उसमें क्या किया जाता है, तीन संतरे को निकालकर उसका हम परीक्षण करते हैं, जैसे डिब्बा है उसमें से तीन संतरे निकाले और फिर उसका परीक्षण करेंगे। यदि तीन निकाले गए संतरे अच्छे हो, मान लो निकाला हमने तीन संतरे निकाला, तीनों कैसे होंगे अच्छे, तो खाएंगे नहीं। अब देखो क्या करेंगे, डिब्बे के लिए बिक्री के लिए स्वीकृत कर दिया जाएगा, तो हम उसको बिक्री के लिए क्या कर देंगे, स्वीकृत कि इस डिब्बे को बेचा जाएगा, अन्यथा अस्वीकृत कर देंगे, अन्यथा अस्वीकृत कर दिया जाएगा मतलब उसको दिया नहीं जाएगा। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, जिनमें से 12 अच्छे और 3 खराब संतरे हैं, तो बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास हल है क्या, कुल संतरों की संख्या, कुल संतरों की संख्या 15 है ना, तो पहली बार निकालने पर संतरे के स्वीकृत होने की प्रायिकता, स्वीकृत होने की प्रायिकता, तो देखो पहली बार निकाले तो संतरे के स्वीकृत होने की प्रायिकता, तो देखो 12 अगर अच्छे हैं और कुल 15 है तो 12/15, तो अगर हम देखें तो पीए बराबर हो जाएगा 12/15। दूसरी बार निकालने पर संतरे के स्वीकृत होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, पीबी बराबर, देखो अब 12 कुल संतरे एक निकल चुका है, कितने बचे 14, अब 12 अच्छे थे, अब निकलेगा कितने अच्छे होंगे 11 अच्छे हैं, 11/14। अब फिर तीसरी बार, क्योंकि तीन बार निकाल रहे हैं ना, तीसरी बार निकालने पर संतरे के स्वीकृत होने की प्रायिकता पी सी बराबर, देखो अब संतरे बचे 13, कितने बचे कुल 13, और आपके पास निकालने कितने हैं 10 निकालने, कितने निकालने हैं 10, तो प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं इसकी, क्या ज्ञात करेंगे प्रायिकता, तो प्रायिकता आपके पास है पी ए डॉट पी बी और डॉट कितना पी सी, तो पी ए का मान है 12/15, पी बी का मान है 11/14 और पी सी का मान है 10/13, तो काट दीजिए इसको 3 × 15 और 3 × 4 = 12, ठीक है, फिर 5 × 10, फिर 2 × 7 = 14, फिर अब नहीं कटेगा 4 × 11 = 44 और 13 × 7 = 91, यही क्या होगा आपका आंसर, आइए मैच कर लेते हैं आंसर, इसमें 44/91 है कि नहीं है, नहीं तो फिर अगला विधि लगाएंगे, इसी सरल आपके पास ये क्वेश्चन है, देखते हैं, ठीक तीसरा आपके पास 44/91, तो यह आपके पास 44/91। फिर देखिए अगला क्वेश्चन यह था, तो देखिए इसमें हमने संतरों की संख्या निकाली, पहले 15 था, फिर हमने पहली बार स्वीकृत होने के लिए प्रायिकता निकाली, फिर दूसरी बार स्वीकृत होने की प्रायिकता, फिर क्या निकालते हैं तीसरी बार स्वीकृत होने की प्रायिकता, फिर हमने क्या किया इसका मल्टीप्लाई कर दिया और आपके पास भी क्या गया आंसर है। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में इसको शेयर करिए, जिससे परीक्षा तक जो सभी आपके पास एक्सरसाइज है, सभी एक्सरसाइज आपके पास पहुंच जाए और आप मैथ को एकदम रट लीजिए, एकदम रट्टा मार दीजिए। ये देखते हैं चौथा, देखो एक न्याय सिक्का लिखते भी जाएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन भी आपको हो जाएगा सही, एक न्याय सिक्का और एक अभिनव पासा है, और एक क्या है अभिनव, अभिनव का मतलब नया, पासा पासा को उछाला गया, को उछाला गया,
एक न्याय सिक्का है और एक अभिनव पासा है, उसे उछाला गया। मान ले ए घटना सिक्के पर, ए घटना क्या हो, सिक्के पर चित्र प्रकट होता है, सिक्के पर चित्र प्रकट होता है। एक घटना क्या, सिक्के पर चित्र प्रकट हो रहा है। और बी घटना पासे पर तीन प्रकट होता है, पासे पर तीन प्रकट होता है, पासे पर क्या प्रकट हो रहा है, तीन को निरूपित करते हैं, को निरूपित करते हैं। निरीक्षण कीजिए कि क्या करना है, हमें निरीक्षण करना है, निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है या नहीं, स्वतंत्र है या नहीं। तो आइए देखते हैं स्वतंत्र है या नहीं। देखो, अगर हम यहां से देखें तो देखो, एक सिक्का और एक अभिनव पासा को उछाला गया है, तो मतलब हमारे पास कुछ सैंपल स्पेस क्या होगा उसको देखते हैं। देखो, एक सिक्का है, न्याय सिक्का है, न्याय सिक्का का मतलब या तो हेड आएगा या तो टेल, और अभिनव पासा है तो अभिनव पासे पर 1 2 3 4 5 6 आएंगे ना। तो हम इसको देखते हैं क्या, देखो मान लो हमने सिक्के को उछाला तो हेड आया और पासे को उछाला तो एक आ गया, सिक्के को उछाला तो हेड आया और पासे को उछाला तो क्या गया, दो। सिक्के को उछाला तो हेड आया पासे पर तीन, सिक्के पर हेड पासे पर चार, सिक्के पर हेड पासे पर पांच, सिक्के पर हेड पासे पर छह आ गया। अब हम सिक्के को उछालेंगे तो टेल भी आएगा, क्या आएगा, टेल। तो टेल आया फिर वन आया, टेल आया फिर टू आया, टेल आया फिर थ्री आया, और टेल आया फिर फोर, टेल फिर फाइव, टेल फिर सिक्स, और टेल फिर यही आपके पास कंप्लीट हो गया ना। तो यह हो गया टेल। अगर हम यहां से देखें कि पी ए की बात करें तो पी ए की एक घटना के लिए, तो सिक्के पर चित्र प्रकट होता है, सिक्के पर क्या प्रकट होता है, चित्र। तो चित्र वाली घटना केवल लेंगे, किसको लेंगे, केवल चित्र वाली घटना लेंगे, हम पट वाली घटना को नहीं लेंगे। तो यहां से देखो, H1 H2 फिर H3 फिर H4 H5 फिर H6। तो चित्र घटना ए, सिक्के पर चित्र प्रकट होता है। बी घटना पासे पर तीन प्रकट हो रहा है, मतलब पासे पर केवल क्या प्रकट होना चाहिए, तीन। तो देखो H3 और T3, ठीक। अगर हम यहां से देखो पी ए का मान देखें ना, तो पी ए का मान देखो होता है NE/NS, तो NE का मान देखो, इसका मान है 6 और NS का मान कितना है, 12। 6 का 6 = 12, 1/2 है। अगर यहां पर देखें तो PV का मान देखो 2/12, NE/NS, तो 2 × 2 = 12/6। अगर फिर हम यहां से देखते हैं इसके बारे में, देखें कि पी ए इंटरसेक्शन बी के बारे में देखें, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन क्या है, देखो H3 यहां भी, तो H का मान भी यहां पर हो गया, अगर इसका मान देखें तो 1/2 कितना, 12। हमें देखना है कि यह स्वतंत्र घटना है कि नहीं है। तो देखो हमारे पास क्या होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर अगर पी ए और पी बी है तो स्वतंत्र घटना होगी, अन्यथा स्वतंत्र घटना नहीं होगी। तो देखो इसका मान है 1/12, पी ए का मान है 1/2 और पी बी का मान है 1/6। 1/12, 1 × 1 = 12, देखो 1/12 = 1/12, अतः स्वतंत्र घटना है।
कौन सी घटना है? स्वतंत्र घटना। अतः घड़वा जो है वह स्वतंत्र घटना है। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसको हमने देखा कि इसमें हमारे पास क्या है, घटनाओं को एक सिक्का उछाल दिए और एक पासा उछाल दिया गया था ना। तो इसमें हमने घटनाओं को देखा, फिर उसके बाद ए की घटना, बी की घटना, फिर ए इंटरसेक्शन बी। फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक पासे पर 1 2 3 4 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। तो पासे पर कुल संख्या अगर देखा जाए तो कुल सैंपल स्पेस जो होगा वह होगा कितना, 1 2 3 4 5 और 6। पासे पर कुल संख्या आपके पास 1 2 3 4 5 6 है। हमारे पास यहां से अगर देखें तो यह आपके पास हो गया इतना आगे, पीएस की अगर संख्या देखें तो हो गया कितना, 6 हो गया। ठीक, हमारे पास फिर दिया गया है ए घटना। घटना ए जो है, घटना ए जो है वह सम संख्या है। कौन सी संख्या है? सम संख्या है। अगर देखा जाए तो सम संख्या देखो क्या होता है कि सम संख्या हमारे पास मतलब 2 4 और 6, 2 4 और कितना है 6। अगर हम पीए की बात करें तो पीए देखिए होगा 3/6, तो 3 1 3 3 2 6, तो ये हो गया 1/2। 1/2 कितना हो गया, 2। फिर अगर हम पीवी की बात करते हैं तो पीवी जो है वह लाल रंग से लिखा गया, संख्या क्या है, लाल रंग। यह जो संख्या होगी वह लाल रंग से होगी, किससे होगी, लाल रंग से होगी। तो यह देखो लाल रंग है, तो लाल रंग कहाँ है, 1 2 3, 1 2 और कितना है 3 है, पीवी जो है 1 2 3 है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो पीवी का जो मान है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/6, 3 1 3 3 2 6, 1/2। अब हम यहां से निकालेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन अगर बी देखा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, देखो ए इंटरसेक्शन अगर बी की बात की जाए तो देखो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन है 2, तो हमारे पास हो जाएगा कितना, 2। और 2 को लिखेंगे तो हो जाएगा 1 1/6, 1/6, क्योंकि इतना बटा में कितना होगा, यह होगा। हमें देखना है कि क्या स्वतंत्र है कि नहीं, तो स्वतंत्र के लिए, स्वतंत्र के लिए, तो देखिए स्वतंत्र के लिए क्या होता है, स्वतंत्र घटना के लिए होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए और एक दो कितना, पीवी, पी ए और दो पीवी हो जाएगा। और हमारे पास हो जाएगा कितना कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/6, पी ए का मान है 1/2 और पीवी का मान है 1/2। तो 1/6 बराबर 1/4 यह बराबर नहीं है, अतः घटना स्वतंत्र नहीं है। अतः घटना क्या है, स्वतंत्र नहीं है। अतः जो घटना है वह स्वतंत्र नहीं है। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। तो यदि आपको वीडियो आ रहा है पसंद तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियोस को अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। जैसे आर क्लासेस से जितने मित्र आपके जुड़ेंगे उतना ही आपको और आपके मित्रों को बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इसका अगला पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। देखिए वीडियोस को थोड़ा लॉन्ग नहीं बनाया जा रहा है, नहीं तो एक ही वीडियो में पार्ट को हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि आपका जो रुझान है बहुत कमजोर हो जाएगा, तो इसके लिए हम अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।